पैन अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 914, 6 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स के साथ 2 जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क सिटी से मायामी फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। ये सफर अक्सर 3 घंटों का ही होता है, पर वो फ्लाइट उस दिन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। मीडिया और गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया था कि फ्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है, पर 9 मार्च 1985 को फ्लाइट 914 वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में अनडिटेक्टेड लैंड हुई। उस प्लेन में सारे पुराने क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मौजूद थे। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से बात की तो उस समय वो काफी चिंतित था। पायलट उस जगह को पहचान नहीं पा रहा था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें एक कन्वर्सेशन में डेट और टाइम बताया तो पूरे प्लेन में हड़कंप मच गया, और कुछ समय बाद बहुत रहस्यमय तरीके से पायलट ने रनवे से टेक ऑफ कर लिया। काफी कॉन्स्पिरेसीज में ये बताया गया है कि फ्लाइट 914 ने वॉर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।